मैंने आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी थी भाई, जनवरी के महीने में सोनी टीवी चैनल पर श्रीमद् रामायण की शुरुआत हुई थी और अभी 12 अगस्त से यहाँ पर एक नया शो शुरू हो जाएगा। उसी को देखते हुए लग रहा था कि जो श्रीमद् रामायण है यहाँ से ऑफ एयर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है भाई। श्रीमद् रामायण आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा, अगले जो उसके न्यू एपिसोड हैं उन्हीं के साथ देखने को मिलता रहेगा, लेकिन इस बार सोनी टीवी चैनल पर नहीं। तो फिर किस चैनल पर और वहाँ पर दोस्तों क्या रिप्लेस किया जाएगा? वैसे तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के स्टूडियो में जरूर ये जानकारी दी जाएगी। सो वीडियो पर एंड तक बने रहना, चैनल पर नया आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही अपडेट्स लेते रहने के लिए। श्रीमद् रामायण जो कि जनवरी 2024 में शुरू हुआ था और 12 अगस्त 2024 को ये ऑफ एयर होने जा रहा है सोनी टीवी चैनल से। जी हाँ, सोनी टीवी चैनल से वाकई में ऑफ एयर होने जा रहा है, ये रियल है। और ये रिप्लेस होने जा रहा है न्यू एपिसोड्स के साथ सोनी सब टीवी चैनल पर। अब से ये आप लोगों को सोनी टीवी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। श्रीमद् रामायण 12 अगस्त से शाम को 7:30 बजे सोनी सब टीवी चैनल पर देखने को मिलने जा रहा है और 12 अगस्त से रात को 9 बजे जो रिप्लेस हो चुका है सोनी टीवी चैनल पर वो है केबीसी का नेक्स्ट सीजन कौन बनेगा करोड़पति का एक न्यू सीजन। सो दोस्तों अपडेट यही थी। जी हाँ, जो भी मेरा भाई सोच रहा था कि श्रीमद् रामायण ऑफ एयर हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपडेट मैंने आप लोगों की दी थी कि ये ऑफ एयर हो जाएगा, ऑफ एयर जरूर है, सोनी टीवी से है, इसने रिप्लेस कर लिया है अब सोनी सब को, न्यू एपिसोड के साथ है, कोई पुराने एपिसोड नहीं है भाई। नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा 12 अगस्त को वही आप लोगों को सोनी सब पर दिखाया जाएगा। सो अपडेट यही थी दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।